हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। आज मैं अपना ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट करती हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई थिंक सब अच्छा लगे। आज मैं अपना ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी मैं दिखाती हूँ, अभी दीदी की चैटिंग चल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए, गुड इवनिंग, ये अपने फ्रेंड के साथ लगी हुई है। हाँ, और इनके लिए मैं खाने में बना रही हूँ आज आलू की पूरी और बादाम की चटनी। पूरी मैं बना रही हूँ, लेकिन पापा के लिए सादा खाना है, क्योंकि पापा मेरे यहाँ सादा खाना खाते हैं। और ये देखिए, बहन के आने से भाई की हो गई है छुट्टी खाना खिलाने से। हाँ ना दीदी? हाँ, तो इतना भाई को आराम मत दीजिए, दीदी भी घर जाएंगे। मेरे अकेला अपना भाई है और मेरे पापा की भी सेवा करना जरूरी है, धर्म जो करना जरूरी है, पता नहीं चाहिए तुम्हें। बेटा देखिए, हाँ भर दूंगी। इनका आते सताने चालू हो गया, देख लीजिए, बॉल फाड़ दिए। नेहा का घर देखिए कैसे कबाड़ा बना के रखे हुए है ना बेटा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज है मंडे, है ना दीदी? आज हमारी तरफ परदोस है, तो आज है फास्ट, मतलब मेरा नहीं है और ना ही दीदी के, हम लोगों का कल फास्ट है, तो आज है नहाए थे, है ना दीदी? हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं नहा चुकी हूँ सुबह में, लेकिन दीदी अभी नहाने जानती हो, माइक आने पाते आलसी हो जाता है। नहीं, आलसी का बात नहीं, दीदी का छोटा बाबू है ना, तब उसको नहलाएंगे, अब उसको करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, है ना दीदी? सही बात है। और हम मम्मी नहा चुके हैं, मेरे घर का फैमिली में नहा ले, चाय भी हम लोग हो चुके हैं। हम नहाए नहाए और मेरा भाई ने नहाए, ये दोनों भाई बहन बहुत अस्कती हैं, इसलिए पापा बोले कि कम नहाना नहीं तो वजन घट जाएगा। बोला सही बात बोल रहे, मेरा वजन घट जाएगा। मारुति पांडे बोलिए बेटा, क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम टूट के उतर रहे हैं। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हाय, अभी हो? देखिए, सुबह के भी फ्रेंड बज रहे हैं साथ, और ये जिद कर रहा है मम्मी को कि चलो बाहर, चलो बाहर, है ना? हाँ। लेकिन बाहर अभी बहुत ठंड है मारुति। सूरज अभी नहीं उगे हैं, नहीं निकले हैं। हाँ, सच सच नहीं, नहीं अभी तो ये देखिए फ्रेंड, अभी वो उठ चुका है इतना सुबह सुबह, और यहाँ पे मेरी बन रही है खाना। एक्चुअली बिना लहसुन प्याज का मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि हमें करना है कल फास्ट, तो बिना लहसुन प्याज का आज खाना बना रही हूँ। और आज हमारे पापा गए हैं टूर पे, यानी कि आज पापा गए हैं हमारे शिव शंकर के, हमारे तरफ के मंदिर, और वो सुबह के 4 बजे ही निकल गए हैं, इसीलिए हम लोग जल्दी उठ भी गए, नहा धो लिए, हम लोग का सारा नाश्ता जा रही है बनाने, और अब जा रही है सेकेंड टाइम चाय बनाने, मम्मी अभी कपड़े धो रही है। पहली बज गया 8 और मेरा हो गया है खाना, बस कुछ बर्तन रखे हैं। खाने में मैं क्या बनाई हूँ वो मैं बाद में बताऊँगी। ये देखिए, मम्मी अभी से ही अपना कल का तैयारी में लगी हुई, बेचारी बेलपत्तर, भांग, फूल, ये सब मार्केट से। पूजा देखिए वो भाई, अब पहले मैं सोच रही हूँ रिपू को निकाल दूँ, क्योंकि ये कब से शोर मचा रहा है। रिपू, कटोरे कटोरे कटोरे। खाना तो हो गया है फ्रेंड मेरा, सुबह मॉर्निंग में तो मैं झाड़ू पोछा लगा ही देती हूँ, लेकिन अब मैं खाना बना ली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा घर में झाड़ू वाड़ू मार लूँ, समेट लूँ, क्योंकि कितना भी सुबह में झाड़ू पोछा कर लो, कितना भी सारा काम कर लो, जब तक खाना बनने के बाद और खाने के बाद जो काम नहीं होता वो ज़्यादा कंप्लीट नहीं होता है ना रिपू? आ गई दीदी जी मेरी पूजा करके, है ना दीदी? कितने दिन पे नहाई दीदी? 5-6 दिन। नहीं, ऐसे बोल रही है, 5-6 दिन पे नहीं नहाती। मम्मी लोग आज नहाए खाई किए, तो उनका खाना देखिए, चावल, चिप्स और क्या क्या दीदी बताइए। बैगन का सब्जी है, बैगन का सब्जी कहाँ है, सेब और मटर का सब्जी है, और पपीता गोभी सब्जी के बिना लहसुन प्याज का, पपीता का भुजिया है, दाल है, दाल चावल। हाँ, माँ बेटी लोग अपना खा रही है, देखिए, है ना मम्मी? खा के बताइए अब कैसे बना है। करके जस्ट फ्री हो ही थी फ्रेंड, तो मम्मी बोली कि अब मिस्त्री जो हमारे ऊपर जो घर जो हमारा जो पेंट हो रहा है ना पलंग, तो उसके लिए मिस्त्री आए, तो मम्मी बोली अब तुम खा पी ली, चलो मिस्त्री लोग के लिए भी चाय बना दो, तो 4 कप चाय बना रही हूँ। मुझे आज मार्केट भी जाना है, पता नहीं देखो कब जाती हूँ, अभी तो मैं वेट कर रही हूँ इनका।
ये रहा चाय, हो गया है 5 कप, 4 कप मिस्त्री का, 1 कप मम्मी का। जा रही हूँ उनको चाय देने। मम्मी तो देखिए फ्रेंड, मैं फिर चली मार्केट। मेरी साड़ी देखिए, एक सेकंड में आपको साड़ी दिखाती हूँ। कैसा लग रहा है साड़ी मेरा आप लोग को? मैं चली मार्केट सर, पैंचो लगने के आप लोगों को तो पता है, इसलिए मैं सिंपल से ही रेडी होती हूँ। अब बाइक से जाना है, फोर व्हीलर से जाना, तो मैं आप लोग को अपने तब का रूट भी दिखाती, लेकिन जा रही हूँ टू व्हीलर से। इसीलिए कैसी लग रही मेरी आप लोग की साड़ी की कलर? फाइनली मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, और मैं मार्केट में आज कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा, मैं आज अपने लिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ऐसा गिफ्ट लेकर आई हूँ, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और अभी मैं फटाफट मार्केट से आई हूँ, तो आप लोगों को पता है कि कल हम लोग को फास्ट रखना है, तो आज लहसुन प्याज खाएंगे नहीं, इसलिए मैं मार्केट से कुछ भी खा कर भी नहीं आई और कुछ ले करके भी नहीं आई। तो इसलिए मैं आते ही फटाफट देखिए अपना चकला बेलना स्टार्ट करती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अब आई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से चाय बना करके पी हूँ और फटाफट रोटी बना करके कुछ रोटी सब्जी खा लेती हूँ। और हमारे घर एक और चीज़ आने वाला है फ्रेंड, वो मैं आप लोगों को शाम आते आते 7-8 बज जाएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी वो क्या आ रहा है, वो पापा का फेवरेट चीज़ है जो आ रहा है वो। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा पलंग जो है फाइनली, मैं आप लोग को दिखाई थी ना, वो देखिए कितना अच्छा से पेंट हो गया, कितना अच्छा भी लग रहा है ना, ये देखिए। और मेरा साथ में यहाँ पे ये सोफ़ा जो है ना, ये सब भी पेंट हो गए हैं देखिए। ये रहा मैं यहाँ पे भी टेबल लगाई, जो मैं ऊपर में टेबल बनवाई थी ना, और यहाँ पे ये मेरा टीवी है। सारा हॉल का ये देखिए कैसा कबाड़ा हो रखा है, देख सकते हैं क्या कबाड़ी मच रखी है मेरे घर में। और अभी 5 बज रहे हैं, 5, अब शाम हो गया, अब शाम में तो झाड़ू लगाऊंगी नहीं, देखिए नीचे कितना सारा गंदा हो गया। और अभी मैं हाल ही 2 दिन पहले सब में पोछा लगाई हूँ। अच्छा कोई नहीं, फिर बाद में देखेंगे। मैं आप लोगों को अपना ये घर जो है इतना डर्टी डर्टी लग रहा है ना, मैं आपको नीट एंड क्लीन करके दिखाऊंगी कब, वेनसडे को मॉर्निंग में। ओके फ्रेंड, आ गई हमारे घर घोड़ी। मम्मी पूजा करा रही है पूजा कर रही है मम्मी। ले रहे हैं कितना प्यारा घोड़ा है, मारुति बताइए मेरे का घोड़ा है, और पीछे से और पीछे से कौन लाया मारुति? नाना लाया नाना। देखिए दीदी। ओके फ्रेंड, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज मेरे घर क्या आया है। एक्चुअली मुझे लगा 7-8 बजे तक आएगा, लेकिन अभी तो 6 बजने वाले, 6 बजे तक ही आ गया, क्योंकि पापा को ट्रैफिक नहीं मिला। और देख लिए होंगे आप लोग आज मेरे घर क्या आया है। तो ओके फ्रेंड, मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। ओके फ्रेंड, बाय, हैव अ गुड डे, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अगर आप लोग का मेरा
ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ जरूर जरूर लाइक करिए, और जो नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही आप लोग के साथ और मैं और मेरे फैमिली अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर के आती रहूँगी। ओके फ्रेंड, बाय।